अंगूरा भाटा के खसरा नंबर 78 की जमीन को लेकर रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह के साथ मनाराम सोनकर, महेंद्र सोनकर, शैलेंद्र सोनकर और सत्येंद्र सोनकर के बीच कोर्ट में मामला लंबित है। इस मामले में बेवजह समाज सेवी और कारोबारी गुजरन सिंह होरा का नाम घसीटकर बदनाम किया जा रहा है। इस मामले में रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह ने अपने वकील के साथ प्रेस वार्ता लेकर अपना पक्ष रखते हुए सोनकर परिवार पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह के साथ मनाराम सोनकर परिवार के बीच चंगोरा भाटा के जमीन विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस विवाद में गुरचरण सिंह होरा का नाम जबरन शामिल कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों सोनकर परिवार और अन्य लोगों ने बूढ़ापारा के धरना स्थल में प्रदर्शन कर होरा जी की छवि को बदनाम करने का एक बार फिर से प्रयास किया। इसे लेकर रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह ने अपने वकील के साथ रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली। इस मौके पर वकील ने बताया कि उनके पक्षकारों का मनाराम सोनकर और उनके परिजन के बीच जमीन विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन सोनकर परिवार इस मामले में गुजरन सिंह होरा का नाम जबरन ही जोड़ रहा है। ये बेहद आपत्तिजनक है। इस मामले में गुजरन सिंह होरा का नाम जोड़ना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। आने वाले समय में इस मामले में मनाराम सोनकर और अन्य लोगों के बीच कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस मकसद यही है कि जो सोनकर परिवार के द्वारा एवं अन्य के द्वारा छल कपट धोखाधड़ी करके ग्राम चंगोरा भाटा की भूमि को हड़पने की जो साजिश की जा रही है उसके बारे में अवगत करें। ये जमीन किसकी है और किसके खिलाफ ये आरोप चल रहा है? इस भूमि के संबंध में 1999 में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह के पक्ष। इस भूमि से संबंधित उनका कोई संबंध नहीं है, ये विधिक विवाद है जिसको अनावश्यक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। किस संबंध में? जमीन के धोखाधड़ी वाले मामले में नाम सहित जो इस प्रकरण से संबंधित पक्षकार है उनके द्वारा उचित कार्यवाही के संबंध में अलग अलग कार्यालयों में कंप्लेंट दाखिल की गई। अभी कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया। अभी वर्तमान में ये सिविल न्यायालय में केस लंबित है। आपको क्या चाहिए? इस जो भी जो साजिश रची जा रही है तत्संबंध में जी जो भी इस संबंध में जो साजिश रची जा रही है इस संबंध में हमारी यही प्रार्थना है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए तत्संबंध में और उचित कार्रवाई की जाए कार्य जो भी सक्षम विभाग है उनके द्वारा। दो लोगों का नाम दिया, उनसे क्या संबंध है? किनका? गुरचरण जी का। किनका? इसमें चार लोग हैं जिसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह, वो उनके परिचित। अब रिलेशन के बारे में जो मुझे जानकारी नहीं है उनके परिचित। पीड़ित पक्ष वकील ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंद्रपाल सिंह, रंजीत सिंह, हरपाल सिंह और मंजीत सिंह के नाम से मनाराम सोनकर ने कोर्ट में आपराधिक परिवाद भी दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद भी सोनकर परिवार और अन्य लोगों द्वारा छल कपट धोखाधड़ी करने की बदनीयति से अनावश्यक विवाद कर चंगोरा भाटा के खसरा नंबर 78 को हड़पने और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जो विधि विरुद्ध है। जो भी विवादित संपत्ति है उस संपत्ति से गुरुचरण सिंह होरा का कोई लेना देना नहीं, परंतु सोनकर परिवार एवं अन्य के द्वारा उनका नाम इस्तेमाल कर एक विधिक प्रकरण को अनावश्यक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल उनके द्वारा साजिश की जा रही है, उनको अनावश्यक बदनाम किया जा रहा है। इस प्रकरण के संबंध में उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल प्रेस वार्ता के दौरान ये बताया गया है कि इस मामले में गुरचरण सिंह होरा का नाम जबरिया ही जोड़ा जा रहा है, इस मामले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।